हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रिया शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है सॉल्यूशन, और ये लेक्चर थ्री है। लेक्चर थ्री में जो हम आज कंटिन्यू करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्रेस करने के तरीके हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, जो कि था मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो इसी टर्म में हम आगे स्टार्ट करेंगे, वो हम कर रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। देखिए, जो पार्ट्स पर मिलियन है ये भी एक तरीका है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, कंसंट्रेशन को बताने का। तो देखिए, पार्ट्स पर मिलियन हम कब यूज करते हैं? हम ये तब यूज करते हैं जब जो सॉल्यूट हो वो कैसा हो, बहुत सूक्ष्म हो, या मैं बोलूं सॉल्यूट जो है बहुत ही छोटा हो, ठीक है। उस कंडीशन में हम जो है पार्ट्स पर मिलियन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन, हम उसके थ्रू जो है कंसंट्रेशन निकालते हैं, ठीक है। तो आई बात समझ में? अब मैं आपको बताती हूं कि पार्ट्स पर मिलियन से हम कैसे जो है कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए, फॉर्मूला आप देखिएगा, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन को हम अगर शॉर्ट में लिखे तो इसको PPM भी हम लिखते हैं, ठीक है, PPM, पार्ट्स पर मिलियन। अब हमें इसका फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। हम कैसे इससे कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं? तो किसी भी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स हैं, और किसी भी एक कंपोनेंट का अगर हमें कंसंट्रेशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, यहां मैं लिख रही हूं कंपोनेंट का पूरा, ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन या फिर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और साथ में हमें एक चीज और करनी है, यहां पर ऊपर ही मल्टीप्लाई बाय 10^6 हो जाएगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला निकल के आया पार्ट्स पर मिलियन का, कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के सारे भाग, मल्टीप्लाई बाय 10^6 अपॉन यानी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सारे कंपोनेंट्स के भाग हम डिवाइड में रखेंगे। तो ये हमारा आता है पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला, इसे आपको नोट डाउन करना है कॉपी में। और जब भी सॉल्यूट की मात्रा कम हो या बहुत सूक्ष्म हो, सूक्ष्म मात्रा में जब सॉल्यूट प्रेजेंट हो, तब हम क्या करेंगे, इस पार्ट्स पर मिलियन का यूज करेंगे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो आई होप आपको पार्ट्स पर मिलियन समझ में आया होगा। तो चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारी टेक्निकल टर्म है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़ना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मोल अंश। मोल फ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। देखिए, मोल फ्रैक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किससे, स्मॉल एक्स से, किससे, स्मॉल एक्स से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो उसे हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रही हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोलों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ
मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। आई बात समझ में कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर हमें किसी भी चीज, किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है उसमें कितने मोल है, उसके कितने मोल्स हैं, उन मोलों की संख्या हम ऊपर लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन में हम क्या लिखेंगे कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं सारे के सारे कंपोनेंट्स के मोलों की संख्या हम इसके अंदर लिख देंगे। द नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, इसे आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए एग्जांपल मैं ले लेती हूँ यहाँ पर। सपोज करिए मैंने एग्जांपल लिया है बाइनरी सॉल्यूशन का। किसका? बाइनरी सॉल्यूशन का, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन का मैंने एग्जांपल लिया है। आपको पता है कि बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, है ना, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो मान लीजिए बाइनरी सॉल्यूशन है हमारे पास और यहाँ पर दो कंपोनेंट है, एक तो ए एंड दूसरा क्या है बी। ए एंड बी हमारे पास दो कंपोनेंट है। ए में कितने मोलों की संख्या है, मैं उसे लिख रही हूं एन, ए से एन। बी में कितनी मोलों की संख्या है, उसे मैं लिख रही हूं एन बी से, ठीक है। आई बात समझ में? तो चलिए अब हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं वन बाय वन। पहले मैं ए के लिए मोल फ्रैक्शन निकालूंगी, फिर मैं निकालूंगी बी के लिए मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर निकाल लेती हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकाल रही हूं, मैंने बता दिया यहां पर दो कंपोनेंट है ए एंड बी, इसके मोलों की संख्या है एन ए और इसके मोलों की संख्या है एन बी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसके लिए, ए के लिए। हमें किसके लिए निकालना है, ए के लिए निकालना है। तो कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन, किसके निकालना है मुझे, ए के लिए। तो मैंने एक्स ए लिख दिया कि हमें ए के कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है, इज इक्वल टू मोलों की संख्या, हमें जिस भी कंपोनेंट की निकालनी है हम उसके मोलों की संख्या लिखेंगे। तो यहां पर ए के लिए कौन सी है एन ए, तो ऊपर आ जाएगा एन ए अपॉन, ठीक है। और हमें नीचे क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के मोल्स लिखने हैं हमें। तो यहां पर एन ए प्लस एन बी, क्या आएगा एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए निकल गया, ए के लिए। किसके लिए निकला हमारे पास, ए कंपोनेंट के लिए। ऐसे ही हम बी के लिए भी निकाल सकते हैं। बी के लिए कैसे लिखेंगे हम इस एक्सप्रेशन को, एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ बी कंपोनेंट एन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, दैट इज एन ए प्लस एन बी। तो ये किसके लिए निकल जाएगा हमारा, बी के लिए। ये निकल जाएगा हमारा बी कंपोनेंट, ठीक है। ये हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि सपोज करिए कि हमारे पास किसी सॉल्यूशन में आई कंपोनेंट है, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट है और मैंने उस संख्या को लिख दिया आई, आई कंपोनेंट है, तब क्या होगा। सपोज करिए कि कंपोनेंट कितने हैं, आई कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक है। कहां, कैसे स्टार्ट हो रहा है ये, वन टू थ्री, और कहां तक जा रहा है ये, आई तक। तो इसके लिए हमारे पास मोल फ्रैक्शन कैसे होगा, देखिए आई मोल फ्रैक्शन ऑफ आई इज इक्वल टू, आई निकालने के लिए कि कितने मोलों की संख्या है आई कंपोनेंट में, तो क्या आ जाएगा एन आई, ठीक है। नीचे जितने भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, वन टू थ्री और आई तक। तो देखिए एन वन एन टू एन थ्री और ये कहां तक जाएगा, एन आई तक, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ नीचे वाली जो टर्म है हम उसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लगा सकते हैं समेशन ऑफ एन आई। पढ़ा होगा आपने मैथमेटिक्स में भी और कई बार फिजिक्स में भी कि हम इन सारे समों की संख्या को कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एन आई। तो देखिए हम इसे क्या लिखेंगे,
एक्स आई इज इक्वल टू एन आई समेशन ऑफ एन आई, तो ये हमारा निकल कर आता है अगर हमारे पास कितने कंपोनेंट है, आई कंपोनेंट है, ठीक है, अगर हमारे पास कितने कंपोनेंट है, आई कंपोनेंट है। और इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मोल फ्रैक्शन होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, जो मोल फ्रैक्शन होते हैं उनका सम कितना होता है, वन। आपको आपको यहां तक समझ में आ गया, यहां तक आप नोट कर लीजिए। एक चीज आप नोट करके लिख लीजिएगा, सपोज करिए अगर मैं बाइनरी सॉल्यूशन की अगर बात करूं, सपोज करिएगा अगर मैं यहां पर बाइनरी सॉल्यूशन की अगर बात करूं, तो देखिए जो बाइनरी सॉल्यूशन है उसमें कंपोनेंट कितने होते हैं, ए एंड बी, ठीक है। मान लीजिए इसका जो आपका मोल फ्रैक्शन है वो है एक्स ए, और इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो है एक्स बी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो ये एक्स ए प्लस एक्स बी आएगा वो इक्वल टू वन आएगा, जो मोल फ्रैक्शन है, टोटल जो मोल फ्रैक्शन आएगा सॉल्यूशन का वो वन होता है। तो इसे हम ऐसे भी निकाल सकते थे, जब हमने एक्स ए निकाला था ना तो हमने क्या लिखा था, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, हमने ये निकाला था ना। तो जब हमें अगर एक्स भी निकालना हो ना, अगर एक्स भी निकालना हो तो हम इसे इस पूरे टर्म को वन में से अगर माइनस करेंगे ना तो भी हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू वन होता है। तो हम कैसे लिख सकते थे एक्स बी की टर्म को, वन माइनस एन ए एन ए प्लस एन बी, ये टर्म हमारी आ जाती किसकी, एक्स बी के लिए। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, ये देखिए मैंने यहां पर स्टार मार्क लगा दिया है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन। तो आई होप आपको ये पूरा मोल फ्रैक्शन समझ में आया होगा। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जिसका फॉर्मूला है C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। C2H6O2 क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। हमें इस पूरे न्यूमेरिकल में कहा गया है कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, और हमने अभी अभी मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़ा है। तो देखिए सबसे पहले हम इसे क्या कहेंगे, क्या स्टेप होगा इसके लिए, सबसे पहले हमें दिमाग में ये रखना है कि देखिए 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल का हमें मास बोला हुआ है, तो सॉल्यूशन कितना होगा। मैं यहां पर अज्यूम कर रही हूं, लेट अज्यूम के कितना है सॉल्यूशन, कितना है सॉल्यूशन, वो है 100 ग्राम। आप यहां पर कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो क्योंकि हमें यहां पर मास जो है परसेंटेज में दे रखा है, लेकिन मैंने सुटेबिलिटी के लिए 100 ग्राम यहां पर अज्यूम किया है। अब देखिए अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें से 20% जो है वो हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल कितना हुआ, उसका मास कितना हुआ, इथाइलिन ग्लाइकोल का मास कितना हुआ हमारे पास 20 ग्राम, और जो 80 ग्राम है वो हमारा वाटर हो गया, ठीक है। वाटर कितना हुआ, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर दोनों है, तो वाटर कितना हो गया हमारे पास रिमेनिंग 80 ग्राम। ये हमारे पास सारा कैलकुलेशन आ गया है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रोसेस। देखिए हमें सबसे पहले मोल, हमें किसी पर भी मोल नहीं दे रखे हैं, हमें किसी भी कंपोनेंट के मोल्स नहीं दे रखे हैं, तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमें वाटर का भी मोल वाटर का भी हमें चाहिए मोल्स, और हमें किसके चाहिए, इथाइलिन ग्लाइकोल की भी मोल्स चाहिए। तो पहले हम किसके मोल्स निकालेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल्स की। तो देखिए अगर मोल हमें निकालना है, आपने 11th क्लास में मोल का जो है, मोल का आपने पढ़ा है फॉर्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, पता है ना ये चीज, ये फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं, 11th में पढ़ा था आपने, फर्स्ट चैप्टर में ही है आपके, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, जिसको हम एन से भी डिनोट करते थे, ठीक है। तो देखिए यहां पर गिवन मास क्या है, अगर मैं इथाइलिन ग्लाइकोल की मोल निकालू तो क्या है गिवन मास हमारे पास 20 ग्राम। अब हमारे पास मोलर मास नहीं है, मोलर मास कैसे निकालते थे हम, यहां पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो मोलर मास, देखिए कैलकुलेट करते हैं, C2H6O2 ये इथाइलिन ग्लाइकोल का है, मोलर मास कैसे निकालते हैं, कार्बन कितने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय कार्बन का मास कितना होता है मोलर मास अकेला 12 प्लस हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं 6
मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का मोलर मास 1, हाइड्रोजन का मास कितना है 1 है, प्लस ऑक्सीजन का यहां पर कितनी है 2 ऑक्सीजन है, और इसका कितना है मास, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इन सभी चीजों को, कितना आ जाएगा टोटल 24 + 6 + 32, कितनी वैल्यू आ रही है टोटल 62, टोटल वैल्यू आ रही है 62 और मोल। ठीक है, तो अब हम इस वैल्यू को यहां रख देते हैं। ठीक है, रख देंगे 62 ग्राम पर मोल। मैं इस वाली चीज को मिटा देती हूं, है ना, आप नोट कर लीजिएगा। क्या आएगी इससे वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद, क्या निकल के आ रहा है, 0.322 मोल। ये हमने निकाल लिए इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए हम निकाल चुके हैं। चलिए अब हम निकालते हैं, हम एक बार मैं ऊपर लिख देती हूँ सारी चीजें ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 0.322 के लिए हम निकाल चुके हैं, मोल निकाल चुके हैं। अब हमें किसके लिए निकालना है, वाटर के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, वाटर के लिए निकालना है। मैं यहां पर साइड में टर्म्स लिखती रहती हूँ। ठीक है, मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना आया, 0.322 मोल। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, वाटर के लिए निकालना है। वाटर के लिए निकालना है ना मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं वाटर के लिए निकालूं, मोल ऑफ वाटर क्या रहेगा, क्या है इसका गिवन मास 80, और वाटर का मोलर मास क्या होता है, 18 होता है, पता है ना, ये सब 11 पे पढ़ चुके हैं, 18 ग्राम पर मोल। और क्या निकल के आ जाएगी वैल्यू, 4.44 मोल। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालना। हमने सारी चीजें निकाल ली है, हमारे पास क्या क्या कैलकुलेशन आ गई है वापस से मैं ऊपर लिख रही हूं। अब मैं लिख देती हूं आपकी, देखिए मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितने हैं, कितने थे, 0.322 मोल। ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, 4.44 मोल। इसको आप इतना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए। ठीक है, निकाले हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल लिखते हैं ऊपर 0.322 अपॉन में क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर, लिख सकते हैं 0.322 + 4.44। यहां पर मैंने तीन टर्म तक लिया तो मैं इसे भी तीन टर्म तक ले ली। ठीक है, क्या आएगा सॉल्यूशन, 0.068। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन 0.068। और अगर आप वाटर का निकालना चाहोगे तो कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है टोटल मोल ऑफ फ्रैक्शन जो होता है सॉल्यूशन का वो 1 होता है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं वाटर का मोल फ्रैक्शन, कैसे निकाल सकते हैं, 1 में से आप माइनस कर दो 0.068। वैसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट आप निकालना चाहो तो 1 में से माइनस कर दो 0.932। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हुआ। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया है।